गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमें आज राजनीति विज्ञान का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, नीति निर्देशक तत्व, तो जो संपन्न हो गया था लगभग, परंतु उसके अंदर इससे पहले हमने मूल अधिकार के बारे में भी चर्चा की थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, और मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का बिंदु रहेगा जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। देखिए, चाहे अपन मूल अधिकारों की बात करें चाहे हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोगों का कल्याण करना, लोगों का आर्थिक विकास करना। परंतु फिर भी मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्वों में हम बारीकी से देखते हैं तो फिर हमारे को इसमें कुछ अंतर दिखाई पड़ते हैं। जो ये अंतर है वो हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अंतर के अंदर पहला जो बिंदु हमारे सामने निकल करके आता है कि जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये वाद योग्य हैं। न्याय इनके हनन होने पर व्यक्ति या नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके हनन होने पर किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है व्यक्ति, ये वाद योग्य नहीं है। तो पहली बात जो हमारे सामने निकल कर के आती है वो है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अंतर में मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। दूसरा जो अंतर हमारे सामने मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो निकल करके आता है अंतर, वो है मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है। किस प्रकार के अधिकार है? कानूनी अधिकार है मौलिक अधिकार, जबकि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे संपूर्ण समाज के एक नैतिक बंधन है। तो मौलिक अधिकार दूसरे अंतर में आ जाएगा हमारा कि मौलिक मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक जबकि
नीति निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है। ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि यदि इनका हनन हुआ तो एक तरह से कानून का हनन हो गया। कहने का मतलब ये दंडनीय होंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक बंधन है, इनके लिए इनके उल्लंघन होने पर किसी प्रकार के कोई दंड की प्रावधान नहीं है। फिर आता है तीसरा अंतर हमारे सामने जो निकल करके आता है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है वो है मौलिक जो अधिकार है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल अधिकार है, स्वयं के अधिकार है, जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की नीतियों के निर्धारण में सहायक तत्व है, राज्यों की नीतियों के निर्धारक तत्व हैं। तो इसके अंदर जो तीसरी बात आती है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारक तत्व हैं। ये राज्यों की नीतियां निर्धारित करने वाले तत्व जो हैं वो हैं नीति निर्देशक तत्व, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है। और जो चौथा हमारे सामने अंतर आता है, बहुत अच्छा बिंदु है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि कोई भी जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कोई दो अंतर बताओ, कोई चार अंतर बताइए, तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर आप इजीली आप इनका जो अंतर है वो सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये वाद योग्य है मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार नागरिकों कानूनी अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है समाज के नैतिक बंधन है। तीसरी जो बात आती है, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व है राज्य की नीतियों के निर्धारक तत्व है। और चौथा जो अंतर हमारे सामने निकल करके आता है, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, जबकि नीति जबकि नीति निर्देशक तत्व जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। इस प्रकार से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से पूरक होते हुए भी, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हुए भी, एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी, फिर भी क्या है, ये
एक दूसरे के से काफी इनमें अंतर देखने के लिए हमारे को मिलता है, और वो अंतर इस प्रकार से या निम्न प्रकार से है। अब बात आती है कि जो मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है, हमने अंतर के बारे में चर्चा कर ली, अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे, परस्पर संबंधित कैसे, परस्पर पूरक किस प्रकार से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर को हटा देंगे और संबंध स्थापित कर देंगे इनमें। तो नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, देखिए हमारे संविधान के भाग तीन के अंदर मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है, और उनका उल्लेख 12 से लेकर के जो 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार से हमारे संविधान के अंदर जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और इनका उल्लेख है संविधान के अंदर 36 से लेकर के 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। परंतु फिर भी ये दोनों का उद्देश्य एक ही है कि नागरिकों का कल्याण करना, उत्थान करना, लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना, लोगों को स्वतंत्रताएं स्थापित करना, साथ ही में आर्थिक विकास करना, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं। परंतु इस संबंध को हम किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, संबंधित किस प्रकार से है कि ये दोनों ही जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, ये एक दूसरे से पूरक हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। मूल अधिकारों के बिना नीति निर्देशक तत्व पूरे नहीं हो पाते हैं, और नीति निर्देशक तत्वों के बिना मूल अधिकार अपने मौलिक अधिकारों को संपन्न नहीं कर पाते हैं। परंतु और इन दोनों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत करना है। इन दोनों का उद्देश्य, इन दोनों का उद्देश्य चाहे मूल अधिकार है और चाहे नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी लोकतांत्रिक, कल्याणकारी लोकतांत्रिक, कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की, राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत कर्म। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कुछ वाद हुए, तो इसके अंदर मुख्य तौर पे तीन बातें या चार बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं। एक है जैसे 1967 में गोलकनाथ वाद, उसके अंदर जो गोलकनाथ वाद था 1967 के अंदर, उसके अंदर जो बात दोहराई गई, तो व्यवस्थापिका ने अधिकारों को सर्वोच्च स्थापित किया था एवं संसद द्वारा इनको असंशोधनीय घोषित किया था। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या किया था कि 1967 के अंदर गोलकनाथ वाद के अंदर क्या व्यवस्था की गई थी कि न्यायपालिका ने
मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए संसद द्वारा इन्हें असंशोधनीय घोषित किया कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं, यहां तक कि संसद भी इनमें संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा फैसला न्यायपालिका ने दिया था कौन से वाद में, 1967 के गोलकनाथ वाद के अंदर। परंतु इस बात को आगे चल करके और सेकंड फेज के अंदर 1973 में जो केशवानंद भारती, 1973 में केशवानंद भारती वाद में इस बात में परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया 1973 के अंदर कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कि इसमें यह बात कही गई कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये वाली जो यहां पे संशोधनीय थी इसको हटा दिया गया। और इसमें क्या कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या बात कही गई कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, परंतु जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये बात 1973 के केशवानंद भारती वाद के अंदर इस बात को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया। तो 1973 में केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया कि क्या घोषित किया गया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन, तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ी गई, लेकिन संविधान के, जो मुख्य बात इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेकिन देखो, संसद संविधान के किसी भाग में परिवर्तन तो कर सकती है, ऊपर वाले में परिवर्तन नहीं किया गया है गोलकनाथ वाद के अंदर, बल्कि 1973 के केशवानंद भारती वाद के अंदर यह बात न्यायालय द्वारा कही गई कि संविधान के किसी भाग में जो संसद है वो परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ में इसने एक बात जोड़ी, उसका नाम है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। कौन? जो हमारी जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो लेकिन संविधान के मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं
कर सकती, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु हमारे सामने निकल करके आता है इन दोनों के अंतर संबंध होने से रिलेटेड है, जो तीसरी बात जो हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या व्यवस्था की गई मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। क्या कि नीति निर्देशक तत्वों का के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों पर मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई किसके अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इस बात को रखा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर किसको मूल अधिकारों को वरीयता दी गई कि नीति निर्देशक तत्व कम छोटे बढ़ाए गए जबकि मूल अधिकारों को अधिक उच्च स्थान दिया गया। लेकिन आगे चल करके देखिए लेकिन इस बात को वापस कब 1980 के अंदर एक वाद आया था मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद के अंतर्गत किस बात को दोहराया गया कि उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर उच्चतम उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। नीति निर्देशक जो तत्वों की जो सर्वोच्चता थी उसको समाप्त करके कि इस बात को स्पष्ट कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन जो करने की शक्ति है वो संसद की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है, वो क्या है सीमित है। संविधान के अंदर जो संशोधन करने की जो शक्ति है संसद की वो सीमित कर दी गई किसके अंतर्गत 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद के अंतर्गत। इस प्रकार से जो मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है न कोई किसी से बड़ा है न कोई किसी से छोटा है, न नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता स्थापित है न मूल अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित है और न ही संसद की सर्वोच्चता स्थापित है, इन सबको सीमित कर दिया गया। इस प्रकार से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ में आज का टॉपिक संपन्न हुआ और कल हम चर्चा करेंगे जो हमारे संविधान का अगला जो जो टॉपिक आता है वो आता है कि मूल कर्तव्य। हमने मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की, नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की, तीसरा जो बिंदु हमारा आता है मूल कर्तव्य, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।